उत्तराखंड के चंपावत से एक बड़ी खबर आ रही है। आज शाम को यहाँ एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बोलेरो गाड़ी खाई में गिर गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 6 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। हादसा पाटी तहसील क्षेत्र के सूखी डांग डांडा मिडार मोटर मार्ग पर स्थित कुलियाल गाँव के चामी तोक के पास हुआ है। घायलों को 108 की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए PHEC रीठा साहब लाया गया है, जहाँ से उनको PHC पाटी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यात्रियों से भरा बोलेरो वाहन UK04TA4777 नानक मत्ता से बिनवाल गांव जा रहा था, तभी रास्ते में डांडा मिडार मार्ग पर डीली बैंड के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि बोलेरो में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों के नाम चंद्रा देवी, मनोरथ और पान सिंह परवाल। इस हादसे पर CM धामी ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। उत्तराखंड में लगातार हो रहे इन सड़क हादसों को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें रायशुमारी।